नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़, मैं तुषार आपके साथ। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक के बाद एक आंदोलन हो रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि इस आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं शिंदे सरकार के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। वही शिंदे, एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना में पहले शामिल थे और फिर उनसे बगावत करके अपने साथ 40 विधायकों को लेकर भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना ली। यहाँ तक कि शिवसेना नाम और सिंबल भी जो है यहाँ पर उनसे, यानी कि उद्धव ठाकरे से ले लिया। कौन है एकनाथ शिंदे जिनकी सरकार पर अब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। महाराष्ट्र के 20वें सीएम शिंदे एक बेहद साधारण घर से आने वाले शख्स हैं। गरीबी में गुजर बसर करने वाले परिवार में पैदा हुए शिंदे के पिता गत्ते का काम करते थे, यानी कि गत्ते के कंपनी में काम करते थे, जबकि माँ घरों में काम किया करती थी। इन तमाम बाधाओं को धात बताते हुए 58 वर्षीय शिंदे ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने 11वीं तक की पढ़ाई की ठाणे के मंगला हाई स्कूल से की। 2020 में शिंदे ने डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए बीए की डिग्री हासिल की। इसमें उन्हें 77% नंबर मिले, यानी जब वो राजनीति के दांव पेच में उलझे थे तब भी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लेते थे। शिंदे ने परिवार को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए कई तरह के काम किए, मजदूरी की, मछली छीलने का काम किया और रिक्शा भी चलाया। शिंदे ने कभी राजनीति में आने को नहीं सोचा था। उन्होंने अपना बचपन थाने में गुजारा था। 3 भाई बहन वाले शिंदे हालांकि शुरू से ही लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन राजनीति में उतरने के पीछे एक कारण था। शिंदे थाने के किसान नगर बागले स्टेट 16 में रहते थे। यहाँ महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता था। शिंदे के दोस्तों ने उन्हें इससे दूर करने के लिए राजनीति में उतरने को कहा। शुरू में तो शिंदे ने तो मना कर दिया, लेकिन बाद में वह आरएसएस शाखा में शामिल हो गए। ऑटो चलाने वाले पार्षद बनने की कहानी की अगर बात करें तो शिंदे आरएसएस में शामिल तो हो गए, लेकिन अपना ऑटो चलाने का काम जारी रखा। इस दौरान उनका लोगों के से घुलना मिलना जारी रहा। इसी बीच एक बार शिंदे के राजनीतिक गुरु दिगे इस इलाके में आए। आपको बता दें, वहां उन्होंने लोगों से पूछा कि वह इस इलाके में किसे पार्षद चुनना चाहते हैं। इस पर वहां मौजूद मुसलमानों और हिंदुओं ने शिंदे का नाम आगे बढ़ा दिया। फिर क्या, यहां था कि शिंदे की राजनीति में गाड़ी जो है वो चलने लगी और राजनीति में शिंदे की एंट्री हो गई। बच्चों की मौत से टूट गए थे शिंदे जी। आपको बता दें, एक वक्त ऐसा भी आया कि जब सुख के बीच दुख यहाँ पर जो है शिंदे को देखना पड़ा। शिंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके जीवन में दुख का एक बवंडर उठा था। दरअसल 2 जून 2000 को शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए थे। यहाँ वो बोटिंग के लिए अपने बच्चों को ले गए थे, लेकिन यहाँ एक अनहोनी हो गई। उनके दोनों बच्चे दुर्घटना में उनकी आंखों के सामने डूब गए। इस हादसे ने शिंदे को तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने निराशा में खुद को कैद कर रख लिया था। इस अवसाद से निकलने और उन्हें फिर से राजनीति में लाने का काम उनके गुरु दिगे ने किया। शिंदे फिर से धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुए और आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, सीएम के पद पर। लेकिन अब इनके सीएम के पद पर कहीं ना कहीं मराठा आंदोलन के चलते, और जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी आई है कि जो 16 अयोग्य विधायकों का मामला चल रहा है, इसको 31 जनवरी तक निपटाना होगा, इसके चलते कहीं ना कहीं उनकी सीट पर अब खतरा मंडराने लगा है। बहरहाल, अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।